हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, बहुत तेज आंधी आ गई थी और हल्की सी बूंद आई थी और यहाँ पे सारे में इतना गंदा हो गया था तो मैं यहाँ पे धोने लग गई थी। ये मना कर रहे थे कि रहने दे, सुबह ही कर लियो, अब क्योंकि 6 बज चुके हैं। मैंने सोची सुबह करूँगी तो सारी धूल मिट्टी ना फर्श पे चिपक जाएगी, तो ये तो मना ही कर रहे थे, लेकिन मैं खुद ही लग गई थी। फिर ये बोले कि चल ठीक है, तू कब तक लगी रहेगी, मैं थोड़ी सी तेरी हेल्प करवा देता हूँ। तो ये भी मेरे साथ में लग गए थे सफाई करने। फाइनली हमने दोनों ने मिलकर सफाई कर दी है, नहीं तो एक तो गंदा पड़ा रहता, गंदे में वैसे ही मन नहीं लगता, और यहाँ पे ना थोड़ी सी हवा धूल आते ही ना गंदगी फैल जाती है बहुत ज़्यादा। और मैंने यहाँ पे दाल बना दी है, और आज मैंने दाल में बनाई है साबुत उड़द, क्योंकि साबुत उड़द रखे हुए थे, इन्होंने बोला कि यार दाल चावल बना लो, तो मैंने फिर साबुत उड़द बना दी है। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ दाल को, तो टमाटर वगैरह मैंने मिर्च मसाले सब इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि वैसे भी गर्मी हो रखी है, गर्मी में दाल चावल वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे मसरी उसरी की दाल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है चावल के साथ में। तो यहाँ पे साबुत उड़द बनाए थे, बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे ये भी। वैसे मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, दाल वगैरह तो हम बना लेते हैं उड़द की, लेकिन साबुत उड़द मैंने पहली बार बनाए थे और वाकई में बहुत टेस्टी बने थे, खाने में भी बहुत ही अच्छे हुए थे। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गए 6:30। बच्चे उठ चुके हैं, जा चुके हैं बाहर, और ये देखिए ये अनाज रखा हुआ है कट्टे में, रात लेके आए थे अनाज, तो इसको वॉश करूँगी आज सुबह सुबह ही लग जाऊँगी इसे वॉश करने। किचन में मैंने दलिया रख दिया है बच्चों के लिए, बनने के लिए भगोने में रखा है दलिया आदि, अभी लेटा हुआ है। बाहर के मौसम का ले रहा है आनंद, निहाल उठ गया है, ये देखिए ब्रश वगैरह करेगा। आप मुझे नहीं उठना, ठंड लग रही है, नहाओगे ठंडे पानी में? हाँ गर्म कर देना। अरे निहाल ने कर ली पोटी वोटी, तो भी कर ले उठ के खड़ा हो जाएंगे। अरे वाकई बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा ऐसा मौसम ज़्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं रखती, फिर तो गर्मी में दिक्कत हो रहा है। हाँ तुझे लग गया पाला, पाला लग गया। अच्छे से धूप निकल चुकी है, ये देखिए सूरज तो सुबह ही अपने दर्शन दे रहा है तड़का तड़का से। बच्चों का दलिया बन रहा है किचन में, मौसम ठीक ठाक हो ही रहा है। मैं भी नाच वाज धोने की तैयारी करूं। तो चलो उठ तो जाओ, नाच तो उसमें तो कर दो, बाहर तक तो ला दो, मैं पानी वानी भर दूँगी। हाँ ये ना उठ रहे भैया, मुझे करना पड़ेगा, दिख रहे ढंग मुझे इनका तो उठने को जी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इन्हें तो बाहर का मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है, वो ना सुनने का बिल्कुल भी। अब उसको तो वैसे ही जोर पड़ा है, उसे और काम बता दिया लंडे को, पता नहीं क्या लेना गया रसोई में। इससे दूध को भी कह दो, तो नू कह रहा है दूध का काम मेरे ऊपर ही छोड़ रखा, और कोई काम तो करेगा क्या, इसका दूध लाने का काम भी नहीं होता, इतना बड़ा हो रहा है। ए, क्या है आदि के बच्चे, बता दूंगी तुझे जब ऐसा अंडा का। खड़ा हो जा जल्दी, अब खड़ा हो जा बेटा, ब्रश तो कोलगेट तो रखा उसने, सारे खत्म हो गए दोनों के दोनों। नए नए का स्वाद चाहिए, कोलगेट रखा जब भी दूसरा खोल लिया। तो गाइस यहाँ पे दलिया बन चुका है, आप लोग देख सकते हो, और आजकल मैं बच्चों को प्रोटीन वाली चीजें ही दे रही हूँ, दलिया चने, या मैंने डाल दिया चीनी, बन के दलिया रेडी है, थोड़ी देर और पकाऊंगी, बाकी बन के हो गया तैयार। बच्चों को दूध वाला दलिया तो पसंद है, लेकिन बच्चे नमकीन वाला दलिया नहीं खाते हैं, ये देखिए। बाकी मैं नाश्ते में कुछ नहीं बना रही हूँ, बच्चे टिफ़िन ले जाने को कर रहे हैं मना, इसलिए मैंने दलिया ही बना दिया उनके लिए, सुबह सुबह नाश्ता करेंगे और स्कूल चले जाएंगे। ये देखिए दलिया बहुत ही अच्छी तरह से बनके हो गया है रेडी। गाइस बच्चे लोग नहाने गए हुए हैं, नहा करके निहाल आ गया है, और आदि भी कपड़े वगैरह डाल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो सुबह के हमारे कपड़े होते हैं ना, क्योंकि रात में हल्की सी बारिश आई थी
तो सुबह के टाइम में ना थोड़ी सी ठंड लगती है। बच्चे वैसे बहुत सारे कपड़े लेके सोते हैं, तो इसलिए मैं इनकी तय करने लगी थी, क्योंकि फैले हुए कपड़े ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने सोची तब तक बच्चे तैयार वगैरह होते हैं, नाश्ता तो इनका बन के रेडी हो गया है, मैंने सोची तब तक मैं कपड़ों की भी तय लगा देती हूँ, फिर बच्चों को आराम से नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि फैला हुआ घर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक बार ये काम साथ के साथ निपटा दो तो काम ना ख़त्म भी जल्दी हो जाता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो मैंने कपड़े वगैरह सभी संगवा दिए हैं अच्छी तरह से, अब मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह कराऊँगी। और यहाँ पर ना मैंने जो मतलब बोतल सीसी वगैरह रखी होती हैं दवाइयों की, तेल वगैरह की, ये सब यहाँ पे रखी थी, तो इनमें ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि खिड़की में से धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़ा मार दिया है हल्का सा, तो ये साफ़ हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से। तो गाइस ये रात के चावल बचे हुए थे, तो बच्चों को तो मैंने दलिया बना के दे दिया था, और मुझे ना दलिया अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने लिए बनाई है चाय, और यहाँ पर मैं ये चावल फ्राई कर रही हूँ, तो मैं आज खाऊँगी फ्राइड राइस। तो ये चावल मैंने ऐसे ही हल्का सा मिर्च मसाला डाल के फ्राई कर लिए हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो बासी चावल थे, लेकिन खाने में इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही स्वाद आ जाता है। तो गाइस नाश्ता वगैरह करके हम यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि अनाज वगैरह ले आए थे, तो हमने सोची इसे भी साथ के साथ धो देते हैं, क्योंकि मौसम का वैसे ही पता नहीं रहता, ये पता नहीं चलता कि कब मौसम बिगड़ जाए, मतलब कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। कल भी ऐसा ही था, पूरा दिन से ठीक ठाक मौसम था, और शाम को अचानक से इतनी आंधी आई कि जैसे कोई आफत आ गई हो, और बहुत ही ज़्यादा गंदगी करके चली जाती है, इसलिए कुछ नहीं पता चलता कि किस टाइम क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा खासा मौसम था, एकदम से बिगड़ गया था। तो हम यहाँ पे अनाज धो रहे हैं, वैसे तो आटा भी रखा हुआ है, तो मैंने सोची लेकिन धो जाएगा, और सूखने में भी 2-3 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि मौसम ख़राब होते देर नहीं लगती, इसलिए इस अनाज को हम अभी से धो के साफ़ करके रख देंगे सुखा करके, फिर जब हमारा आटा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको पिसवा लेंगे। और यहाँ पे हम दोनों ही लगे हुए हैं, बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल में, तो दोनों मिलके करते हैं तो काम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अनाज हमने कर दिया है साफ, पहले हम इसे ऐसे ही मतलब साइड में रख देंगे, उसके बाद ही हम इसको धूप में सुखाएंगे। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ कपड़ा बिछा के चादर टंगी हुई है रस्सी पे, तो इसमें हम फिलहाल रख देंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाएगा, और उसके बाद हम इसे धूप में बाद में डाल देंगे। तो गाइस इस मतलब अनाज वगैरह हमने सभी फैला दिया है, आप लोग देख सकते हो, इसे हम ऐसे ही इकट्ठा करके अब फिलहाल रख देंगे, तो बाद में ही इसको फैलाएंगे, तब तक इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाएगा। और गाइस इस वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।